सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं एंड ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल मंडे यानी कि 12 दिसंबर को मार्केट कहाँ कामकाज कर सकती है एंड हम लोगों की निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या एनालिसिस होनी चाहिए। सो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखा रहा हूँ एंड ये बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे ये जो आपको रेड कैंडल बड़ी सी फॉर्म हुई दिखाई दे रही है। सो दोस्तों ये क्या है, ये हम आप जैसे लोग तो इस कैंडल को नहीं बना सकते। इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म करने के पीछे किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से या किसी बड़े सेलर्स पार्टी का हाथ है। सो दोस्तों कहीं कहीं आपको ये तो पता चल गया है कि ये जो ग्रीन कैंडल्स बनी हैं 2 दिन की, इनको मार्केट ने एक ही रेड कैंडल के साथ मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, इनगल्फ कर दिया। सो दोस्तों कहीं कहीं मार्केट को देखने से ये तो पता चलता है कि मार्केट कहीं कहीं यहाँ पे थोड़ा सा बेयर हो चुका है। अब चलिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे आके मार्केट को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले क्या लगाते हैं, फिव एक्सटेंशन। सो दोस्तों देखिए, अगर हम लोग हाई टू लो मार्क करें, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट लेके मार्केट कहीं कहीं यहाँ पे लगभग लगभग 100 पॉइंट के आसपास का मार्केट ने क्या किया है, थोड़ा सा कहीं कहीं यू टर्न लेके रिकवरी भी दिया है। सो देखिए, मैं आपको एक लेवल बता रहा हूँ, इसको आप लोग अपने चार्ट पे, अपने लेवल्स पे या आप जो भी आप लोग अपने ट्रेडिंग के लिए नोट डायरी बनाते हैं, सो दोस्तों उसको नोट जरूर कर लीजिएगा कि ये ना आपको लाइव मार्केट में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। सो ये लेवल क्या है, ये लेवल है दोस्तों, इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को समझना ईजी हो जाएगा। ओके, जस्ट वेट। ओके देखिए, मार्केट कहीं कहीं अगर कल फ्लैट ओपन होती है या तो फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होती हो, गैप अप का एरिया क्या होगा, 18,550 के आसपास मार्केट कहीं भी दोस्तों अगर आती है तो मार्केट सबसे पहले रजिस्ट कहाँ करने वाली है, ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपका 0.5 का लेवल है दोस्तों, ये कहीं कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि मार्केट अगर कहीं कहीं 18,550 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर लेती है तो हम लोगों के लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट पे कहीं कहीं फिर थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ यहाँ से लौटना चालू होगी। अदरवाइज मार्केट अगर कहीं यहाँ कहीं एक नीचे खुलती है, फ्लैट खुलती है और मार्केट ऐसे जाती है अगेन नीचे साइड का, अगर से जाके इन साइड कैंडल बना देती है, सो दोस्तों वहाँ पे हम लोगों को इसी पॉइंट का, ये पॉइंट क्या है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लिए, 18,550, इसी पॉइंट का हम लोगों को SL रख के मार्केट के अंदर हम लोगों को यहाँ पे शॉर्ट करना है। एंड सबसे पहले मार्केट का जो हम लोगों का टारगेट होगा वो 18,300 का होगा। ये दोस्तों आपको वन वे मिलेगा, इस पे आप लोगों को ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं ऐसा कंडीशन बना चुका है, स्पेशली निफ्टी तो पहले से ही थोड़ा सा बियर हो चुका था एंड स्पेशली अब मैं आपको बता दूं, कल का जो मार्केट होगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक हायर हायर फॉर्म किया था एंड अब कहीं कहीं बैंक निफ्टी पे करेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है। सो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे निफ्टी हमको एक कल कमजोरी की तरफ कल दिखाई दे सकती है एंड उसके बाद दोस्तों जैसे ही हम 300 के आसपास आते हैं उसके बाद हम लोग अपने SL को ट्रेल करते जाएंगे, क्योंकि मार्केट कब, क्योंकि मार्केट अभी एक स्ट्रांग बेस पे थी तो मार्केट दोस्तों कहाँ पे आके किसी बड़े प्लेयर ने अगर नीचे से कोई भी पोजिशन उठा लेता है, सो दोस्तों वहाँ पे हम लोगों के ट्रैप होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा जब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने लगे, सो दोस्तों आप अपने यहाँ पे प्रॉफिट को हमेशा SL ट्रेल करते रहिए या प्रॉफिट को बुक करते रहिए, कुछ ही क्वांटिटी आप नीचे के साइड रखिए, क्योंकि मार्केट को 1-2% की मार्केट के अंदर गिरावट हो जाती है, सो दोस्तों उसको हम ये नहीं मानेंगे कि मार्केट यहाँ से अब बहुत बड़ा करेक्शन देने वाली है, बहुत बड़ा फॉर्मेशन यहाँ से कंप्लीट करने वाली है। सो दोस्तों एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, मार्केट पे बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, फ्लैट ओपन होती है या मार्केट कहीं भी 18,550 के आसपास ओपन होती है, सो दोस्तों फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है वो अपसाइड ही क्लोज देनी चाहिए, वो स्ट्रांग या तो हैमर हो सकती है या फिर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हो सकती है। अगर इनमें से कोई भी कैंडल बनती तभी हम लोगों को बाइंग साइड जाना है एंड स्टॉप लॉस आपको क्या रखना है, सो दोस्तों आपको फर्स्ट 5 मिनट के जो ग्रीन कैंडल होगी उसके लो का आपको स्टॉप लॉस रखना है, उसके साथ आप बाइंग के लिए जा सकते हैं एंड बाइंग साइड हम लोगों का फर्स्ट टारगेट क्या होगा ये भी जानना जरूरी है। सो दोस्तों देखिए, मैं आपको फर्स्ट टारगेट बाइंग साइड का बता देता हूँ,
पहला टारगेट जो आपका बैंक साइड का होगा दोस्तों, वो होगा 720 रुपए के आसपास। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये अपसाइड कल आपको मार्केट देखने के लिए अगर ऊपर जाता है तो मिल सकता है। उसके बाद आपको दूसरा लेवल मिलेगा दोस्तों, वो है 17,870 के आसपास। तो ये लेवल दोस्तों आपके लिए ऊपर साइड इम्पोर्टेंट है, एंड नीचे साइड मैं आपको बता दिया हूँ कि मुझे ज़्यादा नीचे के अभी बड़े लेवल दिखाई देते नहीं है। सो दोस्तों ये लेवल आपका इम्पोर्टेंट है नीचे साइड, इसको भी नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, क्योंकि 18,300 आपके लिए एक अहम लेवल है, जहाँ पे मार्केट कहीं कहीं आके एक सपोर्ट फॉर्म कर सकती है। सो दोस्तों कल मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा स्पेशली जो मेरा व्यू है एंड जो मेरी एनालिसिस है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा निगेटिव सेंटीमेंट में है, तो कहीं कहीं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा निफ्टी कहीं कहीं कल के दिन एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकती है। सो दोस्तों आप लोग रेडी रहिएगा, एंड बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है मार्केट पे, ज़्यादा आपको यहाँ पे भटकने की जरूरत है नहीं। चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कह रही है। सो दोस्तों कहीं कहीं अगर हम लोग बैंक निफ्टी के यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट को देखते हैं, सो दोस्तों कहीं कहीं यहाँ पे हम लोगों को बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा पैटर्न दिखाई दे रहा है। देखिए अभी कहीं कहीं ये जो डेली चार्ट आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया हुआ है। सो दोस्तों अब हम लोगों को बैंक निफ्टी पे सेलिंग कब करना है, चलिए देखिए बहुत ही सिंपल है, इस पे आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ इस लेवल को अपसाइड कंप्लीट करता है, यानी कि ये ऊपर साइड का लेवल क्या है, ये ऊपर साइड का लेवल है दोस्तों 43,840। मार्केट अगर इसको गैप अप देता है या फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है और इस लेवल को कभी भी मार्केट क्रॉस करता है 43,800 को, तो दोस्तों यहाँ पे 200 पॉइंट की हमको वन वे रैली अपसाइड को देखने के लिए मिल सकती है। क्यों मिल सकती है दोस्तों, क्योंकि एक राउंड नंबर है 44,000 का, वहाँ पे कहीं कहीं सेल अप आ सकता है। सो दोस्तों आप लोग एकदम कॉशियस होकर ट्रेड कीजिए, क्योंकि 43,800 के ऊपर आप लोगों को अच्छा ट्रेड मिल सकता है बाइंग साइड, एंड वो वन वे मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पास आप लोगों को एक यहाँ पे वन वे रैली देखने के बाद 44,000 का एक राउंड नंबर भी अपसाइड का देखने के लिए मिल जाएगा। सो दोस्तों इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा, एंड ये जो जोन होने वाला है, स्पेशली मैं इस जोन को आप लोगों को बता देता हूँ, ये जोन ये यहाँ से लेके और ये जोन जो है दोस्तों, ये जोन लगभग लगभग यहाँ पे सो दोस्तों ये जो है लगभग लगभग 300-400 पॉइंट का, स्पेशली दोस्तों ये थोड़ा सा वोलेटाइल वाला एरिया हो सकता है बैंक निफ्टी में। सो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रहना है, यहाँ पे नो ट्रेड एरिया है, एंड यहाँ पे आप ट्रेड अवॉइड करिए, एंड उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को सेलिंग साइड कब जाना है। अगर आपको एकदम सेफ सेलिंग साइड जाना है, सो दोस्तों 43,300 के लेवल को अगर मार्केट नीचे साइड ब्रेक कर देती है, सो दोस्तों यहाँ पे आप इजिली आप नीचे साइड का अपना व्यू रख सकते हैं, यहाँ पे आप फुल क्वांटिटी से सेल कर सकते हैं मार्केट को, एंड हम लोगों का फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 42,900 का। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपने 42,900 के टारगेट के लिए फर्स्ट रखेंगे, एंड उसके बाद हम लोगों का जो दूसरा टारगेट होगा दोस्तों वो होगा 42,700। ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ दोस्तों 42,700, ओके ये, एंड फर्स्ट टारगेट हम लोगों का हो जाएगा 42,900 के आसपास, ओके ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे मान लेते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों का 43,300 जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्रॉस करता है, सो दोस्तों आपको यहाँ पे सेल साइड का व्यू रखना है, एंड यहाँ पे सेलिंग साइड आप जाएंगे तो यहाँ वन पे आपको यहाँ पे 350 पॉइंट मिलने वाला है, एंड उसके बाद सेकंड टारगेट आपका होगा 42,700। दोस्तों इसके नीचे मुझे ज़्यादा लेवल अभी फिलहाल दिखाई तो नहीं दे रहे हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि 42,700 एक अहम इम्पोर्टेंट सपोर्ट वाला एरिया है। सो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करिएगा, एंड कल आपको एक अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, एंड आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मैं बहुत ही जल्द यूट्यूब पे लाइव आने वाला हूँ, एंड लाइव मार्केट पे लाइव सेंटिमेंट्स
एंड हिडन बायर्स, हिडन सेलर्स एंड कहाँ पे बाइंग क्वांटिटी ऐड हो रही है यहाँ, एंड लाइव मार्केट पे कैंडल्स की फॉर्मेशन क्या है, एंड किस तरीके से आप अपने क्वांटिटी साइज को, रिस्क मैनेजमेंट को एंड मनी मैनेजमेंट को एंड एवरीथिंग, कैंडल्स के फॉर्मेशंस को एंड किस तरीके से आप सेलिंग जोन, बाइंग जोन को आइडेंटिफाई कर सकती है, सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही जल्द मार्केट पे लाइव सिखाने वाला हूँ। एंड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी आपको एडवांस पे लिंक एंड कुछ अपडेट्स दे दूंगा। सो दोस्तों, इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, जस्ट 1 या 2 वीक के अंदर अंदर मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ। सो दोस्तों, मैं आपको लाइव मार्केट पे बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी रीडिंग, थैंक यू।